हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग क्रोशिया बाय संजू। आज मैं आपके लिए बोलेरो जैकेट बनाकर लाई हूं, जो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बोलेरो जैकेट 1 से 2 इयर्स की बेबी के लिए मैं बनाई हूं। 1 से 2 इयर्स की बेबी में बहुत अच्छी साइज आएगी। देखिए इसको इस तरह से मैं खोल के दिखाती हूँ अच्छी से। देखिए डिजाइन जो है इस तरह से बनी हुई है। यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट की हूँ बीच में। देखिए इस तरह से आएगी, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। देखिए इस तरह से दिखेगी। ये डिजाइन बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बोलेरो जैकेट की मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करूंगी। देखिए किस तरह से बनती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगी। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आई हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसको पहले मैं साइड कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए लाइट पिंक कलर का मैं ऊन ली हूँ। देखिए ये ऊन जो है पतली थी, इसलिए मैं इसको डबल करके बना रही हूँ। 3 प्लाई के ऊन है, आप इसे 4 प्लाई के ऊन से बना सकती हैं। और देखिए 2 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। ऊन के थिकनेस के अकॉर्डिंग क्रोशिया यूज करें आप। तो पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। गांठ लगाने के बाद मैं यहाँ पर मैं 6 चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 चैन में बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पर 1st चैन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच में तो इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं 4 चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4। और देखिए इस सर्कल में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई है। 1, 2, 3। स्टार्टिंग में मैं चेन बनाई थी और 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी 20 डबल क्रोशिया बनाकर मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाकर मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई सर्कल की तरह से। इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं देखिए इस तरह से चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3। देखिए इस तरह से मैं पूरी 30 चैन में बना लूंगी। 30 चैन। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पूरी 30 चैन में बना ली हूँ। 30 चैन। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पर मैं इसी जगह पर मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करके इस तरह से ज्वाइन करूँगी। इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट चैन में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से निकाल लूँगी मैं स्लिप स्टिच करके। इसके बाद मैं चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इस तरह से मैं चैन बना रही हूँ। जैसे कि मैं इसमें मैं पूरी 30 चैन में मैं बनाकर इसमें ज्वाइन की हूँ, सेम उसी तरह से इसमें भी 30 चैन में बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पूरी 30 चैन में बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच करके इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से निकाल लूँगी स्लिप स्टिच करके। और सेम उसी तरह से मैं चैन बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जैसे कि मैं ये देखिए चैन बनाकर मैं इस तरह से मैं डिजाइन बनाई हूँ, सेम इसी तरह से मैं सारे चैन में बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। तो मैं पूरी कंप्लीट करके मैं इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चैन में इस तरह से मैं डिजाइन में बना ली हूँ। देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में देखिए इसमें मैं 30 चैन में बनाई हूँ और यहाँ पर ज्वाइन करूँगी स्लिप स्टिच करके। देखिए इस तरह से
इसके बाद में देखिए इसके नेक्स्ट चैन में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और स्लिप स्टिच करके इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद देखिए इसमें मैं 30 चैन में बनाई हूँ, तो इसमें मैं से 12 चैन में स्लिप स्टिच करते हुए मैं 12 चैन तक मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और देखिए इस तरह से मैं निकाल लूँगी, सेकेंड चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से निकाल लूँगी, थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच इस तरह से करते हुए मैं 12 चैन में कंप्लीट करूँगी। मैं देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं लाऊंगी देखिए फ्रेंड्स मैं 12 चैन में स्लिप स्टिच में बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 1 चैन बनाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और 5 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट चैन में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, 2, 3, 4 इसमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो चैन है इसमें मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इसमें मैं 5 सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट चैन में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है, एक में मैं 5, 4, 5, 4 इस तरह से मैं बनाते हुए पूरी कंप्लीट करूंगी पूरे राउंड में। देखिए फ्रेंड्स मैं सारे चैन में इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी स्लिप स्टिच करके इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे मैं 1, 2 चैन बनाऊँगी और सिंगल क्रोशिया पर धागा लेते हुए फर्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से एक क्रोशिया पर धागा लेते हुए इसकी नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, क्रोशिया पर मैं धागा लेते हुए इसकी नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से सारे चैन में क्रोशिया पर धागा लेते हुए मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स मैं सारे चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरे राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर ली हूँ लास्ट में। इसके बाद इस जगह पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1, 2, 3 और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2 देखिए यहाँ पे मैं 3 चैन बनाई थी सो और 2 डबल क्रोशिया, ये पूरी 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चैन बनाऊंगी, 1, 2 दोबारा देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3 देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में मैं क्रोशिया डालूंगी, फर्स्ट और सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3 इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2, 3 देखिए इस तरह से मैं 5 पैटर्न बनाऊंगी। देखिए 1, 2 पैटर्न में बना ली हूँ, सेम इसी तरह से मैं पूरी 5 पैटर्न बनाऊंगी
टूट जाए छोड़ते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं 5 पैटर्न में बना ली हूँ, 1 2 3 4 5। इसके बाद में फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद में 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। दोबारा देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसमें मैं देखिए 5 पैटर्न में बनाई हूँ, 1 2 3 4 5। 5 पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाई हूँ। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ बनाई थी, तो सेम इसी तरह से मैं पूरी राउंड बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि यहाँ मैं पैटर्न बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 पैटर्न बनाने के बाद सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैं बना लूँगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं ये रो में कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं पूरी राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी। देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके मैं ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच में करते हुए यहाँ पे बीच में मैं यहाँ पे क्रोशिया लाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3। और देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद मैं 2 चैन बनाऊंगी, 1 2। दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे बीच में ये 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए ये 2 पैटर्न के बीच में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 3 रो पूरी कंप्लीट कर लूंगी। जैसे कि मैं देखिए फर्स्ट रो में बना ली हूँ, सेकेंड रो में बना रही हूँ, थर्ड रो भी सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं 3 रो कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मैं बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए दोनों साइड में बाजू बनाऊंगी। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये बाजू का शेप निकलेगी दोनों साइड से इस तरह से। यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से मैं चैन बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से मैं बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 35 चैन बनाऊंगी इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 34 35। देखिए मैं 35 चैन में बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी। यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया पर धागा लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद 2 चैन, 1 2। दोबारा मैं इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2
खीरे। देखिए इस तरह से बाजू का शेप इस तरह से बन गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पे इस तरह से बाजू का शेप बनाऊंगी। तो ये जो है यहाँ से इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक मैं पूरी कंप्लीट करूँगी और ये बाजू का शेप मैं यहाँ पे भी बना लूँगी। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ इस तरह से मैं बाजू बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बाजू के शेप निकल गई है। इसमें मैं 5 कॉर्नर में बनाई थी, 1 2 3 4 5। तो 4 कॉर्नर देखिए बाजू में इस तरह से बन गई है और 1 कॉर्नर जो है नीचे की साइड जाएगी। इस तरह से डिजाइन बन गई है। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से ध्यान से देखें ताकि आप आसानी से बना सकें, क्योंकि यहाँ पर शायद थोड़ी सी कन्फ्यूज होंगी। आप इसमें 5 कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर बाजू में जाएगी और 1 कॉर्नर नीचे की साइड बनी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूँगी इस तरह से। स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे क्रोशिया में लाऊँगी बीच में। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2, और ये देखिए 1 चैन वाली थी, 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में मैं क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद फर्स्ट सेकंड चैन छोड़कर थर्ड चैन में क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट करके यहां तक मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड तरफ मैं बाजू तरफ इस तरह से मैं बना ली हूँ। 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे ये कॉर्नर बनी हुई है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मैं बनाऊँगी न्यू कॉर्नर। जैसे कि यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद मैं 2 चैन बनाऊंगी, 1 2, और दोबारा मैं देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए ये 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। देखिए इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर बन गई है। जैसे कि ये ऊपर साइड है नेक के साइड और ये जो है नीचे की साइड है। देखिए इस तरह से डिजाइन बनती जाएगी। तो ये देखिए काउंट मैं करूँगी इसे कि 1 2 3 4 पैटर्न ए साइड है और 4 पैटर्न ए साइड बनेगी, 1 2 3 4। बीच में यहाँ पे मैं एक कॉर्नर में बना रही हूँ, जैसे कि ये बनी हुई है बीच में, इसकी बीच में इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी इस तरह से स्लिप स्टिच करके, और स्लिप स्टिच में करते हुए यहाँ पे बीच में क्रोशिया में लाऊँगी, देखिए इस जगह पे, और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी और यहाँ पे 1 2 3 चैन में बनाऊँगी और इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 1 2। अरे देखिए 1 चैन वाली थी, 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद देखिए 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी,
देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। देखिए 1 2 3 4 फोर कॉर्नर जो थी ये बंद हो गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिए सिर्फ मैं बनाई हूँ। जैसे कि ये पैटर्न बनी हुई है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न बन रही है फोर कॉर्नर पे, और 2 कॉर्नर इस तरह से बनती जाएगी। देखिए नीचे साइड वाले जो कॉर्नर थी ये इस तरह से बनती जाएगी, और यहाँ पे न्यू कॉर्नर में यहाँ पे स्टार्ट की हूँ बना रही हूँ। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो में कॉर्नर में स्टार्ट की हूँ। तो ये कॉर्नर सेम इसी तरह से ये भी बनती जाएगी नीचे और ऊपर दोनों साइड से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। जैसे कि मैं देखिए फर्स्ट रो में कंप्लीट कर ली हूँ, सेकेंड रो में बना रही हूँ, तो सेम इसी तरह से पूरी बनाते हुए मैं सिक्स्थ रो में बनाकर पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी सिक्स्थ रो बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद मैं सेवन्थ रो बनाऊंगी। सेवन्थ रो में थोड़ी सी मैं डिजाइन अलग में डालूंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी मैं, और स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लाऊंगी मैं, और यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी 1 2 3। इसके बाद देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गई है, स्टार्टिंग में चेन बनाई थी। इसके बाद 2 चेन यहाँ पे बनाऊंगी 1 2, और दोबारा देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं 1 चेन बनाऊंगी, और देखिए फर्स्ट सेकेंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 चेन। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 1 चेन, और फर्स्ट सेकेंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूंगी सेवन्थ रो। देखिए फ्रेंड्स मैं सेवन्थ रो बनाकर मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो सीधी जो यहाँ पे डिजाइन बन रही है इस तरह से, यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। जैसे कि ये जो है यहाँ पे 2 चेन 5 डबल क्रोशिया 2 चेन 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, और बाकी राउंड में पूरी सेम मैं कंप्लीट की हूँ दोनों साइड कॉर्नर पे। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरह से बनाई हूँ 2 चेन 5 डबल क्रोशिया 2 चेन 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, और बाकी पूरी राउंड सेम उसी तरह से मैं बनाते गई हूँ। इसके बाद देखिए सेवन्थ रो में कंप्लीट कर ली हूँ। एट्थ रो बनाऊंगी। पहले मैं देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच में करते हुए इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में मैं क्रोशिया लाऊंगी इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ इस जगह पर मैं 3 चेन बनाऊंगी 1 2 3, और देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद 2 चेन बनाऊंगी, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, और देखिए क्रोशिया पे मैं धागा लेते हुए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया में बना लूंगी। इसके बाद 1 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1
थ्री टू चैन, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, वन चैन बनाऊंगी और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से वन चैन और यहाँ पे भी थ्री डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी फोर्थ रो तक कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि ये जो डिजाइन मैं बना रही हूँ यहाँ से मैं काउंट करूँगी, यहाँ से फोर्थ रो तक मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं फोर्थ रो तक कंप्लीट करके इसके बाद मैं अब दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं फोर्थ रो पूरी कंप्लीट कर ली यहाँ से। देखिए मैं डिजाइन बना रही थी, मैं पूरी फोर्थ रो कंप्लीट कर ली हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये बोलेरो जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से वन चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूंगी। और ये जो धागे जो दिख रही है ऊन, इसको मैं बैक साइड से अंदर कर लूंगी, फिनिशिंग कर लूंगी मैं। देखिए इस तरह से बन गई है, ये ब्लोरो जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है बनकर। देखिए इस तरह से डिजाइन आ गई है कि बहुत ही सुंदर लग रही है ब्लोरो जैकेट। इसको मैं बैक साइड से इस तरह से पलट लूँगी, ये बैक साइड है। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से मोड़ूंगी मैं। ये जो है इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मोड़ लूँगी। अरे यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, आप चाहे तो बटन लगाएं या फिर डोरी भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से आइए, देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रही है। देखिए नीचे की साइड है, तो ये मैं ब्लोरो जैकेट वन से टू इयर्स की बेबी के लिए बनाई हूँ। मैं वन से टू इयर्स की बेबी में बहुत ही अच्छी साइज आएगी ये। और अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहती हैं तो बड़ी भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रही है और ये डिजाइन जो है बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। और फ्रेंड्स बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स मेरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं, क्या बनाना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू।